अरे छोटू, भैया नहीं है क्या? नहीं मैडम, भैया तो मार्केट गए किसी काम से। आप बताओ आपको क्या चाहिए? तो एक काम कर, तू मुझे वो परफ्यूम दिखा। वो वाला? हाँ। एक काम कर, इसको पैक कर दे। ठीक है मैडम, मैं बस एक बार भैया से इसका प्राइस पूछ लूँ। क्यों, ये 100 रुपए का ही तो है, मैं हर बार यही लेके जाती हूँ। मैडम मैं एक बार पूछ लेता हूँ। अरे क्यों भैया को परेशान कर रहा है, मैं उनकी बहुत अच्छी दोस्त हूँ, मैं यही लेके जाती हूँ हर बार। ठीक है मैडम। हाँ भाई राजू। हाँ भैया। आज कोई कस्टमर आया था क्या? हाँ भैया, आपकी दोस्त आई थी। मेरी दोस्त? मेरी कौन सी दोस्त है? पता नहीं भैया, अपने आप को तो आपका दोस्त ही बता रही थी। अच्छा, क्या लेके गई? परफ्यूम लेके गई है भैया। चलिए तो अच्छा है। कितने का दे दिया परफ्यूम? 100 रुपए का। अगर भाई मेरी दुकान में कोई 1000 रुपए से नीचे का परफ्यूम है ही नहीं, तूने उसे 100 रुपए में कैसे दे दिया? भैया वो यही कह रही थी कि वो जब भी आती है आपसे 100 रुपए में लेके जाती है। अरे भाई तो मुझे फोन करके पूछ तो लेता। मैंने उसे बोली थी फोन करने की, उसने कही कि वो आपसे लेके जाती है, इसलिए मैंने फोन नहीं करा। आगे से कोई कुछ लेके जाए ना तो पहले मेरे को फोन करके पूछ लियो। नुकसान करा दिया तूने, चल काम कर। भैया आपके पैसे। किस चीज के पैसे? वो आज सुबह मैं आई थी, आप नहीं थे, तो मैं 1000 वाला परफ्यूम 100 रुपए में ले गई थी। तो जब आप परफ्यूम ले गई थी तो वापस क्यों आई हो पैसे देने? वो भैया कहते हैं ना, जब हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो हमारे साथ भी बुरा ही होता है। जब मैं यहाँ से गई थी ना तो मेरा फोन चोरी हो गया। ठीक है भैया, मैं चलती हूँ। मैडम लीजिए आपका फोन। आपके पास मेरा फोन कैसे? ये तो चोरी हो गया था। बताता हूँ, छोटू। हाँ भैया। नया फोन ले लिया तूने, बताया भी नहीं। भैया मेरे पास तो फोन ही नहीं है। तो ये किसका फोन है फिर? ये शायद उन मैडम का फोन है। अब आया ना उस पहाड़ के नीचे, आने दे उस मैडम को, उसे मैं देखता हूँ। ये फोन आपको इसलिए वापस मिला है क्योंकि आपको अपनी गलती का एहसास खुद हुआ, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप खुद वापस आई और आपने उस परफ्यूम के पूरे पैसे दिए। और जो आपने कहा था ना कि अगर हम किसी के साथ गलत करते हैं तो हमारे साथ भी गलत ही होता है, तो ये बात सच है। आगे से ना किसी के साथ भी गलत करने से पहले 100 बार सोच लेना।